चलिए आगे लास्ट क्या प्रॉब्लम है सिर्फ भेद लिखा ना इधर हाँ जी और आप मुंह बंद होना चाहिए सबका चुपचाप काम करो कितनी बार एक ही सवाल पूछा जाएगा ये टेन कॉपी पे करने के नाम कॉपी पे हाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू आगे है निम्न स्मार शब्दों का विग्रह कीजिए विग्रह का मतलब है कि आप इनको आप तोड़ कर I
अरे बार बात सुनी तो सेकंड वाले में आप इसका विग्रह करके इसका भेद भी संधि आपने दी हुई है, याद करें, यथा प्लस उचित यथोचित अ और उ की संधि को, याद है कि नहीं? चलिए कर लिया। यथोचित अव्यय, क्योंकि यथा प्रति भर वे अ सब सु ये सारी क्या है? अव्यय शब्द। तो ये क्या है? अव्यय भाव समास। पहला क्या होगा? अव्यय भाव समास। दूसरा गगन चुम्बी, तत्पुरुष समास, गगन को चुम्बने वाला, ठीक है। रोग मुक्त तत्पुरुष
विश्वास रोग से मुक्त से जो है वो कारण है। महादेव बहुव्रीही और करणधार दोनों होगा कैसे? एक मिनट, ये दोनों होंगे किस प्रकार होंगे, कौन क्लियर करेगा? करणधार भी है और बहुव्रीही भी है। देखा तो मानों के लिए तो आपको मैंने 3 पॉइंट बताया। अगर कोई आपसे क्लास में बाहर से आके पूछे कि ये बहुव्रीही क्यों है, करमधारय क्यों है, महा का कोई मतलब क्यों नहीं होता, बैठो कैसे बनेगा ये? अगर हम ये लिखते हैं महान है जो देव अर्थ शिव, तो ये बहुव्रीही समास होगा। और अगर अकेला इस तरह लिखते हैं महान देव या देवता, तो ये करमधारय समास होगा। जब भी आप विग्रह करेंगे उस हिसाब से आप समास का भेद बताएंगे, जैसे हमने नेक्स्ट वाले में किया। यहाँ मैंने सिर्फ आपको भेद बताने के लिए कहा है, तो महादेव दोनों में आएगा, करमधारय में भी आएगा और बहुव्रीही में भी आएगा। अगर आपसे पूछे कोई कि ये बहुव्रीही में कैसे होगा, तो आप बताएंगे कि जब हम लिखते हैं महान है जो देव, तो वो बहुव्रीही है, और जब हम लिखते हैं महान देवता, तब वो करमधारय है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, आगे आगे त्रिकोण, तीन कोण, तीन कोण, द्विगु समास, जहाँ पहला उत्तर पद, पूर्व पद, पूर्व में क्या लगा है, संख्या लगी है, वहां पे क्या होगा, द्विगु, तीन कोण, तो ये क्या होगा, द्विगु समास। राजा रानी विलोम शब्द, क्या बताया, द्वंद्व, दोनों में आपस में द्वंद्व है। आगे लंबोदर, करमधारय और बहुव्रीही, कैसे कैसे मैं पहले अगर मैं कहूँ लंबा उधर, उधर क्या होता है, लंबा के, तो वो करमधारय। अगर मैं कहूँ लंबे उधर वाला और पार्थ करे, तो वो है बहुव्रीही, दोनों करमधारय और प्रभु बहुव्रीही। अधीश लंबोदर बताइए बेटा, जाओ इधर आ, आगे कमल है, इसका विग्रह क्या है?
समझ कैसे नहीं उपमा और उपमा ठीक है तो ये क्या है कर्म कार्य समास आगे आइए निम्न शब्दों का समास विग्रह करते हैं जा रहा हूँ वाला नहीं है चार रा सिंपल त्रिगु समास ग्रह में प्रवेश वाला नहीं आएगा वेद क्या करता है पुरुष प्रेय क्या करता है कारक क्या होगा मुंह बंद करो 10 मिनट के लिए सब जब हम आगे कर ही रहे हैं आप सारे शब्द आपको करवा रही हूं फिर आगे ये बताओ व्हाट इज दिस मीन आप इस तरह शोर करते जाइए जो जिन्होंने पढ़ना नहीं वो देख रहे हैं कि चलो जी क्लास में माहौल बना हुआ है हम अपनी बदतमीजियों में मशगूल बैठ जा बहुत बढ़िया बैठो गुड है ना बैठ जाओ प्लीज भरपूर भरपूर अलग अलग शब्द इनका कोई मतलब नहीं अगर इनको इकट्ठा करें तब वह एक शब्द बनता है तो भर क्या होगा यहाँ पे अव्ययीभाव समास ठीक है कब बताया मैंने एक प्रधान तो तत्पुरुष में जहां अव्ययी शब्द लगते हैं वह विकारी शब्द जिनका कोई मतलब नहीं है जब ये पूरे बनेंगे तब मतलब निकलेगा इनका पूरा मतलब है कि भरपेट भरपूर काफी ज्यादा ठीक आगे नर नारी द्वंद समास क्योंकि इनमें विलोम है नर और नारी जिसमें विलोम है वहां हमेशा और लगेगा सुख और दुख रात और दिन नर और नारी भरपूर मतलब बहुत ज्यादा भरा हुआ अव्ययीभाव समास ही है ये
आगे महात्मा महान महान आत्मा कर्म कार्य महान आत्मा कर्म कार्य समास कैसे आगे अगर हम ये कहें महान आत्मा अर्थात किसी और को लगाकर, पर ऐसे तो बहुत सारे लोग महात्मा होते। चलिए नीलकंठ ये दोनों हो सकते हैं कर्मधारय भी और बहुव्रीही भी, क्योंकि नीलकंठ अगर आप लिखेंगे नीला गला तो वो कर्मधारय में आएगा, अगर आप लिखेंगे नीले गले वाला अर्थार्थ शिव तो ये बहुव्रीही में आएगा। नील का कंठ का मतलब होता है भाई नीले गले वाला अर्थार्थ शिव बहुव्रीही, जैसे शिव बोल लिख लो या शिव लिख लो। कर्मधारय में केवल नीला गला, कर्मधारय अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे केवल नीला गला। अभी भी मैं ये देख रही हूँ कि क्लैरिटी नहीं है तुम्हारे समास में, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। चलिए ऑरली रेज योर हैंड ओनली, शोर नहीं करना। त्रिनेत्र समास भेद बताए इसका विग्रह कर, वो बहुव्रीही होगा अगर तीन नेत्र। Gracias.